बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किए करते थे। इससे उन्हें नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पे कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहांपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते समय वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की उंगली कंप आई। मंदिर का पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है।